हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी शैल रीड द पार्ट वन ऑफ चैप्टर एट। चैप्टर एट इज रीच फॉर द टॉप। इट हैज टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट संतोष यादव एंड द सेकेंड पार्ट टॉक्स अबाउट मारिया शारापोवा। सो लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इज गिवन। बट बिफोर दैट इट्स गिवन एज अ टास्क दैट यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्संस। ऐसे 3 से 5 लोगों की एक लिस्ट बनानी है जिनसे कि हम बड़े तौर पे प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ में। दे कैन बी फ्रॉम वेरिड फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट, लाइक दे कैन बी फ्रॉम स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी टू अंडरस्टैंड वट एवर इज गिवन इन इट। तो जो ओनली वुमन, मतलब जो एकमात्र महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने में कामयाब हो पाई, वो एक ऐसी सोसाइटी से आती थी जहाँ पर लड़के का जन्म तो एक ब्लेसिंग की तरह माना जाता, और एक बेटी की जहाँ तक बात है, हालांकि ये कोई कर्स, ये कोई अभिशाप तो नहीं था, बट वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उनका स्वागत भी नहीं किया जाता। व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, अ ट्रेवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, अज्यूम दैट शी वॉन्टेड अ सन, बट टू एवरी वन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर who was standing close by told him that they did not want a son. तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेंज, एक अनयूजुअल इंसिडेंस देख रहे हैं कि जब उनकी माँ संतोष के जन्म होने का इंतज़ार कर रही थी, तो एक ट्रेवलिंग होली मैन, सन्यासी या साधु भी हम कह सकते हैं, जो कि ये समझकर कि शायद वो भी एक बेटा ही चाहती हो, उन्होंने एक बेटे का ही आशीर्वाद दिया। लेकिन हर किसी को बड़ा आश्चर्य हुआ, टू एवरी वन सरप्राइज, जब अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, मतलब संतोष यादव की माता की दादी माँ, वो जो कि बगल में ही खड़ी थी, उन्हें कहती हैं कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए। द ओनली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज। तो जो होली मैन था वो भी सरप्राइज रह गया कि भला क्यों कोई किसी लड़की के होने की इच्छा रख रहा होगा। Nevertheless, he gave the requested blessing. तो फिर भी चाहे जो भी हो, उसने जैसा कि उससे ब्लेसिंग्स मांगी गई थी, उसने वैसा ही किया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। और जैसा कि उसने आशीर्वाद दिया, बेटी हुई भी। संतोष वॉज बॉर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स। संतोष का जन्म एक ऐसी फैमिली में छठे बच्चे के रूप में हुआ जहाँ पे 5 लड़के थे, अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, मतलब 5 भाई और 1 बहन। इनका जन्म हरियाणा के छोटे से गांव जोनियावास में, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ हुआ था। गर्ल का नाम संतोष रखा गया, जिसका मतलब होता है कंटेनमेंट। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष को ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। ट्रेडिशनल मतलब परंपरावादी, वन हु लाइक्स टू लिव इन द ट्रेडिशंस। जैसा चला आ रहा है वैसा ही जीवन संतोष को बिल्कुल भी जीना पसंद नहीं था। उसने लाइफ को अपने तरीके से स्टार्ट करना शुरू किया। जहाँ पे बाकी लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती, संतोष शॉर्ट्स पहनने लगी। लुकिंग बैक, जब वो पीछे पलट कर देखती हैं और कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। वो कहती हैं कि शुरुआत से ही मैंने ये ठान रखा था कि मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों में विश्वास रखूंगी जो कि रेशनल हो, जो कि तार्किक हो, जो तर्क से भरा हो, लॉजिकल हो, और जो ऐसा नहीं करेंगे उन्हें खुद को बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदलने वाली। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। अब जहाँ तक की बात है संतोष यादव के पेरेंट्स की, तो वो काफ़ी धनाढ़ जमींदार थे, हु कुड अफोर्ड, जो कि अपने बच्चों को बाहर बेस्ट स्कूल्स में भेजने की काबिलियत रखते थे, की हैसियत रखते थे, और यहाँ तक कि वो उन्हें दिल्ली भी भेज सकते थे, जो कि काफ़ी नज़दीक था। बट इन लाइन विद द प्रीवेलिंग कस्टम इन द फैमिली,
संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, क्योंकि अब जैसा कस्टम था फैमिली में, जैसा कि रिवाज था फैमिली में, संतोष की पढ़ाई लोकल विलेज स्कूल में ही तय की गई। तो उन्होंने ये डिसाइड किया दैट शी विल फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जब सही मौका आएगा तो वो अपना रास्ता खुद बनाएंगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और 16 साल की उम्र में शायद सही समय भी आया। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 साल की उम्र में गाँव में उन दिनों लड़कियों की शादियाँ हो जाया करती। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू द सेम। संतोष के ऊपर भी प्रेशर था कि वो भी ऐसा ही करे। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। लेकिन 16 साल की उम्र में शादी तो इनके दिमाग में कभी आया ही नहीं था। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उन्होंने अपने पेरेंट्स को ही धमकी दे डाली कि अगर वो शादी नहीं करेगी जब तक कि उसे प्रॉपर एजुकेशन ना मिल जाए। सी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। वो भाग खड़ी हुई वहाँ से और खुद का दाखिला एक दिल्ली के एक बड़े स्कूल में करवा लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड पे फॉर द एजुकेशन सी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू ऑफर पे हर स्कूल फीस। हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। तो पेरेंट्स ने जब ये धमकी दी कि वो उसके पैसे पे नहीं करेंगे तो उन्होंने बड़ी ही शालीनता से इन्फॉर्म कर दिया कि वो पार्ट टाइम वर्क करके पैसे कमा लेंगी। हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। तो वो हमेशा ही ये इच्छा रखती कि थोड़ा और पढ़ने को मिल जाए, और उसके फादर भी धीरे धीरे आदत हो गया था उन्हें उनकी अर्ज उनकी मांगों को पूरा करने का, जो कि वो हमेशा ही ज़्यादा एजुकेशन के लिए बातें किया करती। संतोष हाई स्कूल पास करने के बाद जयपुर चली गई। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वो जयपुर चली गई और उन्हें कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम भी मिला। संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल अरावली हिल्स को फेस करता था। सामने ही उसके अरावली हिल्स थी, अरावली की पहाड़ियाँ थी। मैं देखा करती विलेजर्स को अपने रूम से गोइंग अप द हिल कि वो पहाड़ियों पर जाते एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और कुछ ही देर में बिल्कुल गायब हो जाते। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट एंड आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे खुद ही पता करती हूँ कि आखिर क्या है। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मैंने वहाँ किसी और को नहीं देखा, हाँ कुछ फ्यू माउंटेनियर्स थे। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। मैंने पूछा कि क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्रेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। दे आंसर्ड पॉजिटिवली एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि मैं पहाड़ियों पर चढ़ना सीख सकूं। तो फिर तो पीछे वापस जाने का कोई इरादा ही नहीं था इस डिटरमिंड यंग गर्ल का। उसने पैसे बचाए और खुद का दाखिला उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में करवा लिया। वो कहती हैं कि मेरे कॉलेज सेमेस्टर जो जयपुर में थे वो अप्रैल में एंड होने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वो 19th ऑफ मई तक खिसक गए और मुझे उत्तरकाशी पहुंचना था 21st मई को। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। तो मैं तो वापस घर भी नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। मैं सीधा ट्रेनिंग को चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी। मुझे हालांकि अपने फादर को लेटर ऑफ एपोलॉजी मतलब माफीनामा भी लिखना पड़ा, क्योंकि बिना उनसे पूछे ही बिना उनसे परमिशन लिए ही मैंने खुद का दाखिला उत्तरकाशी में करवा लिया था। इसके बाद संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। इसके बाद तो वो हर साल ऐसी ही एक्सपेडिशन पे जाया करती। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। उनका जो क्लाइंबिंग स्किल्स था वो जल्दी ही मैच्योर होने लगा, बढ़ने लगा। ऑल्सो
शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द आल्टीट्यूड। साथ ही साथ उनके बॉडी में वो क्षमता भी आने लगी कि वो ठंड मौसम और ऊंचाइयों को भी बर्दाश्त कर पाती। इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, फिजिकल इंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। अपने लोहे जैसी इच्छा शक्ति के बल पर, अपनी फिजिकल इंड्योरेंस मतलब वी कैन से द फिजिकल एबिलिटीज और मेंटल टफनेस, इन तीनों के बल पर उन्होंने बार बार खुद को प्रूव किया। और इनका जो हार्डवर्क का जो कल्मिनेशन मतलब जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वी कैन से द बिगेस्ट पॉइंट वॉज इट केम इन 1992, जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर शी हैड शाइली आस्क द अरावली माउंटेनियर्स। 4 साल ही बीते थे जबकि वो माउंटेनियर्स से उन्होंने पूछा था और आज वो उन्हें ज्वाइन कर चुकी थी। एट बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज, बस 20 साल की ही एज में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला थी संतोष यादव, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स। अब जो साथी चढ़ाई करने वाले थे वो सिर्फ इस बात से ही खुश नहीं थे कि वो सबसे कम उम्र में चढ़ाई करने वाली एक महिला थी, बट उससे भी ज़्यादा उन्हें खुशी इस बात की थी कि वो हमेशा ही दूसरों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती रहती दैट दे कैन ऑल्सो बी क्लाइंबर्स, दे शुड ऑल्सो प्रूव देयर स्पिरिट बेस्ड ऑन मेंटल टफनेस, फिजिकल इंड्योरेंस एंड आयरन विल। नाउ ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कर्नल साउथ कोल। तो इसी एक्सपेडिशन के दौरान संतोष यादव ने अपने एक साथी क्लाइंबर की काफ़ी मदद की। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, हालांकि वो उन्हें बचा तो नहीं पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद सेम फेट इफ शी हैड नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद देम। तो हालांकि एक को तो वो नहीं बचा पाई, बट दूसरे क्लाइंबर मोहन सिंह की उन्होंने जान बचाई, जो कि शायद उसी किस्मत को पाता, फेट मतलब किस्मत, शायद वो उसी किस्मत को पाता अगर वो उसके साथ ऑक्सीजन शेयर नहीं करती। विथ 12 मंथ्स संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम। तो 12 मंथ के भीतर ही संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम। उन्हें एक इनविटेशन मिला इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन से कि वो उन्हें ज्वाइन कर सके। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और फिर वो दूसरी बार एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का उन्हें मौका मिला, दस गेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। और इस तरह से उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि सिर्फ वही एक महिला हैं जिसने कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की। एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और उनके कारण ही इंडिया का यूनिक प्लेस है माउंटेनियरिंग के फील्ड में। इन रिकॉग्निशन टू हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बिस्टोर्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। और उनके इस कंट्रीब्यूशन के कारण ही भारत सरकार ने उन्हें नवाजा है भारत के सबसे सम्मानित अवार्ड से, जिसका नाम है पद्मश्री अवार्ड। अपने फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते वक्त वो कहती हैं शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो कहती हैं कि वो वास्तविक रूप से सही मायने में वो दुनिया के टॉप पे थी। संतोष कहती हैं इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, कुछ समय तो लगा कि वो सब कुछ समझ पाए। Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. फिर मैंने तिरंगा झंडा लहराया और इसे बिल्कुल सबसे ऊंची चोटी पर लगा दिया,
द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, और जो फीलिंग है उसे तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। मुझे काफ़ी गर्व हो रहा था अपने भारतीय होने पे कि मेरे देश का तिरंगा झंडा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे लहरा रहा था। ऑल्सो अ रिवरेंट एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। इसके अलावा वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवोकेटिंग एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन पे वो काफ़ी जोर देती हैं। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। वो हिमालय से लगभग 500 किलो वेस्ट भी अपने साथ वापस लेकर के आने वाली महिलाएं हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट 2 इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय।